नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। नजर डालते हैं दिनभर सुर्खियों में रही पांच बड़ी खबरों पर। मलेशिया से लापता विमान MH370 की गुत्थी सुलझी, तंजानिया में मिला विमान का मलबा, मलेशिया ने की इस बात की पुष्टि। समाजवादी पार्टी के कलह पर बोले पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, कहा अखिलेश को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना गलत। रामगोपाल ने कहा मुलायम की सरलता का नाजायज फायदा उठाते हैं कुछ लोग। जम्मू कश्मीर की सियासत में मचा बवाल, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हामिद कारा ने पार्टी और लोकसभा से दिया इस्तीफा, कहा बहुत पहले ही टूट जाना चाहिए था भाजपा के साथ गठबंधन। वायुसेना ने लापता विमान AN-32 में सवार 29 लोगों को माना मृत, विमान में सवार लोगों के परिवारों को एयरफोर्स ने लिखी चिट्ठी, लिखा हमने उन्हें मृत मान लिया है। आईफोन 7 के भारत आने से पहले आईफोन 6S और 6 प्लस की कीमतों में एप्पल ने की बड़ी कटौती, दोनों फोनों की कीमतें 22,000 रुपए तक घटी। देश और दुनिया की अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।